क्या आप भी एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें कोई टारगेट सेंसर के सामने आता है, सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद वो लोड या मोटर या बल्ब को परमानेंटली ऑन कर देता है और जब वही टारगेट दूसरे सेंसर के पास जाता है तब वो लोड को ऑफ कर देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे हम लैच कर सकते हैं, लैच का मतलब होता है होल्ड करना सर्किट को, और कैसे हम उस सर्किट को अनलैच कर सकते हैं। अनलैच का मतलब ये है कि उस सर्किट को हमें अनहोल्ड करना है या ब्रेक करना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। और आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लैच का कंसेप्ट समझ लेते हैं। होता क्या है कि मेरे पास ये एक सेंसर है और जैसे ही सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है, सेंसर सिर्फ एक बार सिग्नल देता है, पर होता क्या है उस सिग्नल को हम होल्ड कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैच करना। तो क्या होएगा, जैसे ही कोई टारगेट इसके सामने से गुजरेगा, सेंसर सिग्नल देगा या जो इसके बाद जो लोड होएगा वो परमानेंटली ऑन हो जाएगा, चाहे टारगेट के सामने अब रहे या ना रहे, इसको बोलते हैं हम लैच कंसेप्ट। अब अनलैच का कंसेप्ट बता देता हूं। अनलैच में क्या होता है, जब टारगेट सेंसर के सामने से आएगा तब सेंसर उस लोड को बंद करेगा। लैच में हुआ क्या था, हमारा टारगेट परमानेंटली ऑन हो गया था, अब इसको बंद भी तो करना है, तो हम एक दूसरा सेंसर लगाएंगे जो उस लोड को एक्चुअल में बंद करेगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम अनलैच करना। लैच अनलैच करने के लिए हमें सिर्फ दो सेंसर की जरूरत है और एक 8 पिन की रिले की जरूरत है। ये एक 8 पिन की रिले है, आप इसको देख सकते हो, ये बेसिकली एक 8 पिन की रिले है, आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें दो सेंसर की जरूरत है और एक सिर्फ एक 8 पिन की रिले की जरूरत है, जिसमें हम लैच भी कर सकते हैं और अनलैच भी कर सकते हैं। अब ये बात कर लेते हैं हमें कौन से दो सेंसर की जरूरत है। हमें एक ऐसा सेंसर चाहिए जो एक्चुअल में एक NO फंक्शन का काम करे, और एक दूसरा सेंसर हमें एक ऐसा चाहिए जो NC फंक्शन का काम करे। तो जो हमें सेंसर चाहिए वो एक NO टाइप होना चाहिए एक सेंसर, और जो दूसरा सेंसर होना चाहिए वो एक्चुअल में एक NC टाइप होना चाहिए। NO NC के बारे में जानने के लिए मैंने उसकी वीडियो पहले से ही बना रखी है, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और यहाँ पे एक आई बटन भी शो होगा, आप उसको जाके देख सकते हो। जो सेंसर मैं यूज करूँगा वो एक PNP NO होगा और जो दूसरा सेंसर होगा वो PNP NC होगा। PNP और NPN एक अलग अलग वायरिंग टाइप ही है, बट जो ऑपरेशंस है वो हमारा NO NC है। प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना, अगर फिर भी डाउट हो मैंने PNP और NPN की एक्सप्लेनेशन पहले से एक वीडियो में दी हुई है, उसको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको समझ लेना ताकि हर एक चीज प्रैक्टिकली भी समझ आए कि एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको वायरिंग करना समझा देता हूँ कि हम एक सेंसर को कैसे कनेक्ट करना है एक रिले के साथ और एक लोड के साथ। जो लोड मैं यूज करूंगा वो एक 220 वोल्ट AC का बल्ब है। आप लोड की जगह एक मोटर यूज कर सकते हो या कोई भी लोड जो आपको एक्चुअल में लैच और अनलैच करना है। तो ये रहा मेरा ओवरऑल सर्किट और ये है मेरी SMPS जो 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है। आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग है 4.5 एम्पियर। ये है रिले, ये ओमरॉन की रिले है जो 24 वोल्ट DC पे काम करती है। ये 8 पिन की रिले है और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो सेंसर है। लेफ्ट में ये एक PNP NO टाइप सेंसर है जो एक IR सेंसर ही है एक्चुअल में, इसमें 3 वायर है, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ आपके सामने ही है। और अब आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो में हमें एक PNP NC सेंसर भी यूज़ करना है जो एक्चुअल में उसको अनलैच करने के काम आएगा। ये एक PNP NC टाइप सेंसर है। मैं अपनी SMPS को 220 वोल्ट AC सप्लाई देता हूँ लाइव और न्यूट्रल पे। तो मेरी दो तार कनेक्टेड है लाइव और न्यूट्रल पे, जो एक्चुअल में 2 पिन प्लग पे जाके कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, एक सेंसर जो PNP NO टाइप है उसको कनेक्ट करेंगे हम SMPS के साथ और रिले के साथ। तो आप वायरिंग करने के लिए जो
ब्राउन वायर है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे और ब्लू वायर को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे। आप देख सकते हो कनेक्शन एकदम बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि कैसे कैसे करना है। और जो ब्लैक वायर है उसको रिले के 14 नंबर के साथ कनेक्ट करोगे, क्योंकि सेंसर PNP टाइप है तो हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी और रिले की 14 नंबर पॉजिटिव पिन है रिले की। अब मैं एक वायर लेता हूँ उसको 13 नंबर से कनेक्ट कर देता हूँ और उसका जो दूसरा एंड है उसको SMPS की नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। आप मेरे को फॉलो करते रहिए जब आप कनेक्शन कर रहेंगे। देख लीजिए कनेक्शन एकदम क्लियर है सेंसर रिले और SMPS की। नेगेटिव कहाँ कनेक्टेड है आप देख सकते हैं और पॉजिटिव कहाँ कनेक्टेड है आप देख सकते हैं। ब्लैक वायर सेंसर की 14 के साथ कनेक्टेड है। अब मैं सप्लाई को एक बार ऑन कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ सेंसर के सामने टारगेट लाता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा सेंसर वर्किंग है उसकी बैकलाइट इंडिकेशन से और रिले की LED इंडिकेशन से भी चेक कर सकता हूँ। अब मैं PNP NC सेंसर कनेक्शन करूँगा। सप्लाई ऑफ करके अब मैं PNP NC सेंसर कनेक्शन करूँगा। अब मैं एक रेड वायर लेता हूँ और रेड वायर को 5 नंबर से कनेक्ट करते हुए SMPS के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कनेक्शन किए और जो PNP NC सेंसर है उसकी नेगेटिव वायर डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ और जो उसकी पॉजिटिव वायर है उसको मैं 9 नंबर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जो सेंसर की ब्लैक वायर है उसको एक्चुअल में मैं रिले के 14 नंबर के साथ कनेक्ट करूँगा। मैं आपको कनेक्शन और क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा जूम करता हूँ। आप कनेक्शन देख लीजिए मैंने कैसे किए हैं कि जो सेंसर की जो ब्राउन वायर थी उसको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया 9 नंबर के साथ और ब्लैक वायर कनेक्टेड है रिले की 14 नंबर के साथ। ब्लू वायर है डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई से और 5 नंबर से एक रेड वायर कनेक्टेड है जो पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है। और अब मैं एक लोड लेता हूँ जो 220 वोल्ट AC का बल्ब है। इसमें दो तार होगी बेसिकली। इस लोड की एक तार को मैं डायरेक्टली लाइव वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा जो 220 वोल्ट AC से आ रही होगी और इसकी जो दूसरी तार है उसको मैं रिले के 12 नंबर के साथ कनेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शन किस तरह से किए कि L वाली साइड जहां पे लाइव वायर है वहां पे लोड की एक तार लगा दी और जो दूसरी तार है उसको मैंने रिले की 12 नंबर से कनेक्ट कर दिया। मैं एक वायर लेता हूँ एक्स्ट्रा और उसको 8 नंबर से कनेक्ट करता हूँ और 8 नंबर से मैं सीधा उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ। अब लोड को रिले के थ्रू सप्लाई मिल पाएगी और जैसी रिले ऑपरेट होगी मेरा लोड ऑन हो जाएगा। मैं सप्लाई टर्न ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम रेडी है टेस्ट करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा NO सेंसर है और राइट हैंड साइड पे मेरा NC सेंसर है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड पे टारगेट लाता हूँ NO के सामने तो टारगेट ऑन होता है और NC से वो ऑफ हो जाता है। आप देख सकते हैं एक से ऑन होता है और एक से ऑफ हो जाता है। जैसे कोई टारगेट एक के सामने जाता है दूसरे के सामने जाते ही ऑफ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि लैच अनलैच का क्या मीनिंग होता है और कैसे हम सिर्फ दो सेंसर और एक नॉर्मल 8 पिन की रिले से लैच अनलैच का सर्किट बना सकते हैं। इस सर्किट का बहुत यूज है हमारी इंडस्ट्री में। आप एक सैनिटेशन टनल का एग्जांपल ही ले सकते हो कि जब सैनिटेशन टनल में कोई आदमी एंटर करता है तब हमारा लोड या मोटर ऑन हो जाती है और जब कोई आदमी उसकी तरफ से एग्जिट करता है तब हमारा लोड या मोटर ऑफ हो जाता है। यूजुअली यहाँ पे हम टाइमर यूज करते हैं पर आप देख सकते हैं इस सर्किट में कोई टाइमर की जरूरत ही नहीं। बहुत सारी एप्लीकेशन है, आपको बस अपनी एप्लीकेशन को समझना है और इस सर्किट को यूज करना है। मैंने सर्किट डायग्राम उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट एक यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो जिससे जो आने वाली वीडियोस है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर रहेगी और जिसके थ्रू मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।